आप सभी का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन सनातन संस्कृति के कुछ विशेष पर्व, परंपराएं, धारणाएं, तीज त्योहारों के बारे में अपन बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो सनातन संस्कृति में त्यौहार है वो एक साइंटिफिक रीजन के साथ मनाया जाता था या फिर उनके पीछे साइंस का बहुत बड़ा हाथ होता था। जो आज की साइंस है और पहले की साइंस में बहुत रात दिन का फर्क है, क्योंकि आज के टाइम पे लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा आपके ऊपर कुछ चीज़ें थोपी जा सकती है, लेकिन प्राचीन काल में यह चीज़ें आप आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति पे या किसी दूसरे वर्ग के ऊपर आसानी से थोप नहीं सकते थे। इसी वजह से अपनी सनातन संस्कृति के अंदर कुछ रीति रिवाजों, कुछ परंपराओं, कुछ मान्यताओं के आधार पर हमारे बहुत सारे पर्व त्योहारों को मनाया जाता है, उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता था। और जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें त्योहारों को विशेष महत्व है और उन विशेष महत्व के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। वो धीरे धीरे करके मैं इसमें आज मुख्य रूप से दो चीज़ों के बारे में, दो त्यौहार या दो मान्यताओं के बारे में इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि सनातन संस्कृति कहाँ से और कब कैसे कैसे इसमें प्रभावित हुई है। भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में प्राचीन और महान संस्कृति है। यह संस्कृति महत्वपूर्ण विज्ञान आधारित है। भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले सभी उत्सव हो, चाहे तीज त्यौहार हो, रीति रिवाज हो, उनका एक अपना विशेष महत्व होता है। अपनी इस महान संस्कृति के कारण भारत विश्व गुरु रहा है और दूसरी संस्कृतियों ने भी हमारी ही अंगुली ही पकड़ के चलना सीखा है। यही कारण है कि बड़े बड़े आक्रांताओं और हजारों वर्षों की गुलामी के बावजूद हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे और हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था व शिक्षा को सबसे बड़ा नुकसान मुगलों व अंग्रेजों ने पहुँचाया था। मुगलों ने हमारी इज्जत और संस्कृति का विनाश किया, तो वहीं अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा को चौपट करने का सबसे बड़ा जो काम किया वो इन दोनों ने किया। लेकिन आज भी कुछ देश में विदेशी ताकतों हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए निरंतर षड्यंत्र कर रही है। इन देश में विरोधी ताकतों के कुचक्र में फंसती हमारी युवा पीढ़ी भी अपनी महान संस्कृति के आधार पर छिपे वैज्ञानिक तत्वों को समझे बिना ही रीति रिवाजों को व त्योहारों को अंधविश्वास के साथ जोड़ने और दृष्टिहीन भाव से देखती है, जबकि वास्तविकता में हमारी संस्कृति अंधविश्वास पर आधारित नहीं है बल्कि विज्ञान पर आधारित है। हमारी संस्कृति गौरवान्वित करने वाली संस्कृति है। बस आज जरूरत है तो इस बात की कि अपनी इस संस्कृति को सही रूप में, सही मायने में अपनी युवा पीढ़ी तक पहुँचाएं। युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हम अपनी भावी पीढ़ियों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और उनको जोड़ने का प्रयास करें। इसी भावी पीढ़ी को यह समझना होगा कि हमारे पूर्वजों को ज्ञान बेमिसाल था, अथाह ज्ञान होने के बावजूद हमारी संस्कृति आज भी सनातन संस्कृति के लगातार निरंतर बहस पर चलती आ रही है। हमारी संस्कृति का आधार धर्म के साथ साथ विज्ञान आधारित भी था। इसी कारण से प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय विज्ञान में क्षेत्र में विशेष अग्रणीय रहा था और अभी भी अब धीरे धीरे यह संस्कृति अपने युवाओं के माध्यम से जागरूक अवस्था में आ रही है और जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आज अपन को दो मान्यताओं या दो परंपराओं के आधार पर बात करूंगा, उनके पीछे कुछ साइंस था या नहीं आप खुद बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और कमेंट करें कि वाकई में यह चीज़ें थी या नहीं थी, क्या साइंस ये बोलता है या नहीं बोलता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पहली मैं बात करूंगा कि सावन के महीने में दूध का प्रयोग वर्जित क्यों माना गया है। आखिरकार वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से सावन के महीने में अपने पूर्वज, अपने ऋषि मुनि उस दूध को पीने से वर्जित करते थे, वो कौन से कारण थे। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन सबसे पहले सावन के महीने में जो दूध का वर्जित माना गया है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जो सावन का महीना है वो सबसे ज़्यादा बरसात वाला महीना होता है और बरसात के अंदर सबसे ज़्यादा विषाणु और कीटाणु और फफूंद जैसे चीज़ों का प्रभाव बढ़ता है, और जो प्रभाव बढ़ता है कीटाणुओं का, उसकी वजह से सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो दूध होता है और दूध से बनने वाली चीज़ें प्रभावित होती है।
और यदि दूध प्रभावित होता है और प्रभावित होने वाले दूध को यदि अपन यूज करते हैं, यदि अपन उसका उपभोग करते हैं, तो उसके माध्यम से अपने शरीर में बहुत सारे रोग आने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि सावन का महीना जो होता है वो दूध पीने लायक नहीं होता, और दूसरी आसान भाषा में बताएं तो जो सावन का महीना होता है उसमें हम दूध पीने लायक इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो पचता नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज सावन के महीने में दूध का प्रयोग नहीं करते थे, पशुओं को दूना भी नहीं छोड़ सकते थे। यदि हम पशुओं को वहीं पे दूना छोड़ देते तो पशुओं की डेथ हो सकती थी, वो मर सकते थे, वो तड़प तड़प के मरते। इस वजह से हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि सावन के महीने में दूध तो निकालते हैं लेकिन उसका उपयोग बहुत कम करने के लिए बोला गया है, उसका सबसे बड़ा कारण था। इसीलिए पशु का दूध दुहने के बाद उसको शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और दूध शिवलिंग पर चढ़ाए जाने के कारण घर में लस्सी तक नहीं बन पाती थी, इसीलिए सावन में कढ़ी भी नहीं बन सकती थी। हालांकि अध्यात्म का इसका अपना महत्व है, श्रद्धालु सावन के महीने में शिव शंकर का महिमा मानकर शिव की पूजा करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो रीजन था वो सावन का महीना था कि उसमें आपके जो दूध है वो सबसे ज़्यादा कीटाणुओं से, विषैली चीज़ों से जल्दी प्रभावित होता है, और वो है दूध अपने शरीर में पचने योग्य नहीं होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो अपना श्राद्ध पक्ष जो आता है, वो श्राद्ध के महीने में हम अपने कौओं को खाना खिलाना उचित मानते हैं, क्या वाकई में इसके पीछे पाखंड था या इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन था? तो दोस्तों मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कौवा है वो कौवा का रंग काला होता है, जिसकी वजह से उसमें उष्मा का अवशोषण अधिक करता है, क्योंकि काला रंग प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं कर पाता है, इसी कारण से वह धीरे धीरे गर्म होता जाता है। और यही कारण है कि गर्मी के मौसम में कौवे नीचे के गर्म क्षेत्र से पर ठंडे क्षेत्रों में तरफ चलते हैं। लगभग सितंबर और अक्टूबर के महीने में ऊपर के क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा बढ़ने के कारण कौवा दोबारे से नीचे आने के क्षेत्र में शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे रीजन्स हमारे ऋषि मुनि और परंपरा सनातन संस्कृति में चले आ रहे हैं, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था करी ताकि अपनी सभ्यता भी चलती रहे और अपने जो पर्यावरण में है जो उचित बैलेंस है वो बरकरार रहे। लेकिन हमारे बहुत सारी ऐसी कहावतें भी चलती है और बहुत सारे ऐसे भी मान्यता भी हैं कि कातक में कुतिया, माघ में बिलाई, चेत में चिड़िया सदा लुगाई। अर्थात आपने बहुत सारे लोगों ने देखते होंगे कि जो कार्तिक का महीना होता है, कार्तिक का जो महीना होता है उसके अंदर जो डॉगीज होते हैं वो एक्चुअल में अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, और वो डिलीवरी का टाइम ऑलमोस्ट जो डॉगीज में होता है वो सबसे ज़्यादा कार्तिक के महीने में होता है, लगभग अक्टूबर महीने के आसपास, अक्टूबर नवंबर के लमसम ये पीरियड पड़ता है जो कार्तिक का महीना होता है। शुद्ध भाषा में इसकी अपन कार्तिक का महीना बोलते हैं, और वो लगभग अक्टूबर और नवंबर के आसपास पड़ता है। वहीं अपन यदि अपन माघ की बात करें तो माघ के महीने में जो अपनी केट जो होती है उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जो माघ का महीना होता है वो जनवरी और फरवरी के बीच में होता है। और उसी वजह से हम आप चीज़ें, ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं, आप देखे होंगे कि जो डोगीज में सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है वो कार्तिक के महीने में होती है, कार्तिक के महीने में होती है, और जो बिलाई जो प्रजाति आपकी जो कैट जिसको बोलते हैं उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है वो माघ के महीने में होती है, यानी कि जनवरी या फरवरी में। और फिर वहीं यदि अपन बात करें कि जो चिड़िया जो होती है उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है वो चैत के महीने में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है इसी वजह से हम, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इनको एक परंपरा के आधार पर अपनी सनातन संस्कृति को जोड़कर चलते हैं ताकि इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहे और लगातार यह चीज़ें अपनी चलती रहे। इसी वजह से हमारे बहुत सारे चीज़ों को परंपरा से जोड़ा गया, संस्कृति से जोड़ा गया, मान्यताओं से जोड़ा गया, अवधारणा में कन्वर्ट किया गया ताकि यह अवधारणाएँ अपनी इन्वायरमेंटल, अपने प्राकृतिक और बहुत सारे इस चीज़ को बचा के चल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में कुछ ज़रूर अच्छा जानने का प्रयास किया होगा, अच्छा जाना है। और यदि नहीं तो आप इसके वीडियो के माध्यम से आप
कमेंट में जरूर बताएं मुझे कि इसमें कुछ ये करेक्शन करते तो ज़्यादा बेटर होता। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जय श्री राम।